शांति। 9 दिसंबर, बाबा प्रारंभ से बहुत अच्छा हमें नशा चढ़ा रहे हैं, तुम बाबा के पास आए हो अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाने के लिए। तुम भाग्यवान बन रहे हो, तुम्हारे लिए दिन आ रहा है, रात पूरी हो रही है, दिनों दिन तुम्हारा भाग्य जगता जाता है, तुम्हारा भाग्य श्रेष्ठ होता जाता है। बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं तो दिनों दिन आगे बढ़ते हैं ना, उसको भी कहेंगे उनका भाग्य बन रहा है। तो तुम तो इस पढ़ाई से, राजयोग से दिनों दिन आगे बढ़ रहे हो, अपना श्रेष्ठ भाग्य बना रहे हो। सबसे श्रेष्ठ भाग्य सूर्यवंशियों का है और मैं तुम्हें राजयोग से स्वर्ग के मालिक बना रहा हूँ, तो तुम ही संसार में सबसे अधिक सौभाग्यशाली हो। तो बाबा कह रहे कि देखो, ज्ञान और राजयोग की बातें शास्त्रों में भी लिखी है, परंतु जिन्होंने लिखी थी वे तो अब है नहीं। जो पढ़ते हैं वो उनके रियल अर्थ को नहीं समझते। ये बहुत ही गहरी बात है, क्योंकि जिन ऋषियों ने लिखा था उनका स्पिरिचुअल लेवल बहुत ऊंचा था, और जो आज उस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, उनको पढ़ रहे हैं, उनका स्पिरिचुअल लेवल बहुत डाउन है, वो पवित्र भी नहीं है, तो वो उन सब बातों को समझ नहीं सकते हैं। सतयुग की बात बाबा कर रहे हैं, मैं तुम्हें सतयुग का श्रेष्ठ भाग्य देने आया हूं। वहां तुम योग नहीं लगाओगे, वहां तुम दान पुण्य भी नहीं करोगे, वहां तो तुम्हें केवल आत्मा की याद रहती है और अपनी बादशाही याद रहती है। ये शरीर छोड़कर हम जाएंगे, फिर बादशाही प्राप्त करेंगे। तो तुम अब अशरीरी होने का अभ्यास करो, बहुत हल्के हो जाओ, घूमने भी जाओ बहुत हल्के होकर चलो, तो तुम्हें ऐसा लगेगा टांगे नहीं चल रही, हम तो उड़ रहे हैं, थकान ही नहीं होगी। बाबा याद दिला रहे हैं, देखो भक्ति में भी जब लोग अच्छे थे, रजो प्रधान समय था, तब लोग पैदल यात्रा किया करते थे तीर्थों पर, थकते नहीं थे, तो बाबा उनको भक्ति का फल तो देता था, भावना का भाड़ा तो देता था। भले ही मंदिरों में जड़ मूर्ति हैं, पर बाबा सबकी इच्छा पूरी करता आया है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आज की सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम याद में रहकर भोजन खाओ तो तुम तंदुरुस्त भी रहोगे, तुम्हारी आयु भी बढ़ेगी और तुम माया को जीत भी सकोगे। शिव बाबा परम पिता तुम्हारा साजन भी है, भक्ति में भी उसको प्रियतम कहा गया, तो उस प्रियतम को, उस साजन को बिना भोग लगाए तुम भोजन कैसे खा लेते हो? तो अगर तुम बाबा की याद में भोजन नहीं खाते तो तुम्हारा भोजन माया खा जाती है और वो पावरफुल बन जाती है, फिर तुम्हें तंग करती है। तो इसलिए याद में भोजन खाओ, हम इसकी बहुत अच्छी प्लानिंग करें। बाबा एक अच्छी बात सिखा रहे हैं, तुम केवल शुरू में याद करते हो, केवल याद नहीं करना, बाबा को खिलाना है। अंडरलाइन करें सभी, बाबा को भोजन खिलाना है। बाबा कह रहे तुम कई चीज खाते हो, रोटी सब्जी खाओगे, चावल खाओगे, मिठाई खाओगे, कुछ पकोड़े खाओगे, तो बाबा को शुरू में याद किया फिर नहीं खिलाओगे, तो पूरा समय खिलाते रहो। तुमने ही तो कहा था जब तुम आओगे तो हम तुम्हारे ही साथ खाएंगे, तुम्हारे ही साथ रहेंगे, तुम्हारे ही साथ खेलेंगे, तुम्हारे ही साथ सोएंगे। तो हम इस बात को बाबा की समझ लें। यात्रा पर भी जाते हो तो साजन के साथ भोजन करो, आज बाबा की ये मुख्य शिक्षा है। तो शिव बाबा को अपना साजन भी समझो, वो बाप भी है तो प्रियतम भी है। साजन प्रियतम उसे कहा जाता है जिसे हम अधिकतम प्यार करते हैं, जो हमारा अधिकतम प्रिय है। तो बाबा की याद से इस तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो बाबा से इस तरह बातें करते रहो, बाबा हमने आपको बुलाया था, बहुत समय के बाद आए हो, अब आओ हमारे साथ भोजन करो। तो बाबा से बातें करते रहो, कभी बाबा की किरणें लेते रहो, कभी अशरीरी होने का अभ्यास करो, कभी बाबा का आह्वान कर लो,
हमेशा बाबा को याद करना माना, हमेशा उसे खिलाते रहना। बाबा हम सभी को मनुष्य देवता बनाने आया है। तो बाबा कह रहे, देखो ग्रंथ में भी गायन है, मनुष्य से देवता की एक रत्न लागी वार, मैं तुमको बहुत जल्दी देवी देवता बना देता हूं। तुम राजयोग के बल से अपने विकर्मों को नष्ट करते हो और मनुष्य देवता बन जाते हो पवित्र बनकर। एक सूक्ष्म बात ये भी है आज की मुरली में, मैं जिसका चाहे स्वीकार करूं, जिसका चाहे न करूं, श्रेष्ठ भाग्य उसका ही बनता है जिसका ईश्वर सब कुछ स्वीकार करता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अभी ऐसा समय आएगा, बाबा ने कहा, जब बहुत लोग आकर देंगे लेकिन मैं उनका स्वीकार ही नहीं करूंगा, क्योंकि स्वीकार करो तो उनको देना पड़ेगा। मैं गरीबों का स्वीकार करता हूँ, जो बहुत भावनाओं से देते हैं उनका स्वीकार करता हूँ। तो हम बाबा के बहुत समीप हैं। आज का वरदान भी बहुत सुंदर है, संसार में सभी चिंता मणि है, तुम शुभ चिंतक मणि हो, अपने शुभ चिंतन के वाइब्रेशन से, श्रेष्ठ संकल्पों के वाइब्रेशन से तुम सभी की चिंताओं को नष्ट कर सकते हो। बहुत गहरी बात कही, तुम शुभ चिंतक मणियों की शुभ भावनाओं की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। तभी लोग कहते हैं कोई स्पिरिचुअल पावर काम कर रही है, क्योंकि उन्हें ऐसा फील अवश्य होता है। तो हमें दूसरों की चिंताएं हरनी हैं, और अगर बाबा की डायरेक्शन को कैच करना है तो बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर रखनी है, नहीं तो कोई विचार आएगा और हम सोचेंगे बाबा ने कहा वो गलत हो जाएगा। तो आज सारा दिन हम याद रखेंगे, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं है। और आज से ही याद में रहकर भोजन खाने की प्रैक्टिस करेंगे, तीनों टाइम बिल्कुल याद ही रहे, बाबा से बातें होती रहे, और इसको कंटिन्यू करेंगे। ओम शांति। टू वॉच पीस ऑफ माइंड चैनल वीडियोस ऑन यूट्यूब, सब्सक्राइब अस ऑन youtube.com/tvpeaceofmind। जस्ट अ क्लिक फॉर अ पीसफुल लाइफ।